तो आप साल भर सुखी हो जाते हो। दूसरी चीज, आप एक चीज और नहीं मानेंगे जिसके मैं प्रमाण दे सकता हूँ। क्या? पिछली बार मैंने सिर्फ इस फसल को 10 एकड़ में लगाया था, हाँ, नाप के मोबाइल से मैंने 319 कुंटल धान बेची है, एवरेज आप लगा लेना। ये वाली? जी सर। गजब यार, मतलब एवरेज भी इसका अच्छा है। 32 का एवरेज आया। हाँ, एवरेज बहुत बहुत अबे अच्छा है। जो सोच नहीं सकते वो 32 का एवरेज आया, कोई नहीं मानता इस बार। जल्दी की जल्दी आ गई। वो रेट क्या मिलता है? मैंने 3140 पिछली बार खेत से गीली गीली ही ट्रक लगा के बेच दी थी, ट्रक यहीं बुला लिया था, मैं घर भी नहीं ले गया। बताओ यार, इस बार बीज दे देना यार भैया। मगर बीज दे देंगे, लेकिन आप समझो तो, एक तो समय पे पैसा। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे बड़े भैया हैं पुनीत भैया, और आज हम आए हुए हैं इनके खेत में, जहाँ पर इन्होंने है 2 किस्म की धान लगाई हुई है। हाँ, 3 किस्म। 3 किस्म की धान लगाई हुई है। धान 1692 1847 और 1718। 1692 1847 और 1718। तो भाई साहब, ये है 1718 की हाइट। ये अभी जो फसल है ये पूरी 62-63 दिन की हो चुकी है, मतलब कि फसल का जो आधा टाइम है अभी बोई निकला है। इसमें अभी बालियां निकलना चालू नहीं हुई है। कहीं कहीं पर जो पौधे हैं भाई साहब, वो आप देख सकते हैं गबोट पर हैं। फसल ने अपनी आधी उम्र पूरी कर ली है, और मेरे को ये डर है कि ये इतनी जो बढ़ गई है छाती भर तक की, तो ये बाद में गिर ना जाए। क्या लगता भैया आपको, गिर जाएगी क्या? भाई एक कहावत है, गेहूं गिरे अभागे का, धान गिरे सुभागे की। जब तक धान गिरेगी नहीं, जब तक ये पता कैसे चलेगा कि फसल कैसी लगी है। सही बात है ये तो। यहाँ पे देखेंगे असल में क्या है, ये पानी निकासी वाली जगह है। मतलब नहीं, पूरा खेत यहाँ से आके देखो, पूरा एक जैसा दिखेगा। पेड़ तक वहाँ जाके देखो आप, पूरा जूम करके देखो, शुरू से आखिरी तक एक जैसा है। हाँ, ये बात तो सही है, कहीं भी एक पेड़ अलग नहीं दिखेगा आप। मेरे सिर्फ लाइन नहीं होने के कारण, हाँ, ये सिर्फ 1.5 एकड़ की जमीन ऐसी जिसे मैंने फेसबुक पे भी डाला था, हाँ, जिसको मैंने सुखा दिया। हाँ, मतलब सुखा दिया से मतलब ये है कि मजबूरी ये हो गई थी किसे बचाऊं, तो उसमें मैंने पानी नहीं दिया, वो ही सिर्फ एक खराब है। उसके अलावा मेरी सारी धान एक जैसी है, कहीं से कहीं तक कोई रोग नहीं है भाई साहब। हाइट बेहतरीन है और सब कुछ अच्छा है। 1718 के बाद में हम चलते हैं ऊपर, और ये है भाई साहब 1847 का प्लाट, जो कि कोई ऊंचा नीचा झंडा कुछ दिख रहा हो तो। नहीं, कोई झंडा वंडा कुछ नहीं है, और पूरा खेत फ्लैट है। आधी बालियां जो है वो निकल आई है, आधी फसल जो है वो गबोट पे है, और ये इसके कल्ले हैं भाई साहब, ये आप देख सकते हैं। और ये भी हो चुकी है 62 दिन की पूरी लगने के बाद में, थोड़ा मतलब 4-5 दिन आगे पीछे चलता रहता है। इसमें एक और प्रैक्टिकल किया था मैंने। क्या? कि जैसे लोग कहते हैं कि ज़्यादा यूरिया डालो तो ब्लास्ट आता है, रोग आते हैं। ये कंपनी ने अपने को दिया कि भाई इसमें कोई रोग नहीं आएगा। हाँ। मैंने मेरे नियम विरुद्ध चेक करने के लिए इस खेत में पहली बार में 1.5 एकड़ यूरिया डलवा दिया। पहली बार मतलब लगने के कितने दिन बाद? 20-25 दिन बाद। लगने के 20-25 दिन बाद वो डलवाया, इसलिए कि मैं देखूं, तो अगर नहीं आया है तो फिर तो फायदा है। हाँ। भाई साहब आज तक कोई रोग नहीं आया, कोई स्प्रे नहीं हुआ इसमें। अच्छा, अब ये और बता दो, सारी धान में, उसमें भी इसमें भी 17-18 में भी, धान लगने के कितने दिन बाद आपने खाद का पहला छिड़काव किया था? 10-12 दिन बाद DAP। हाँ। और उसके बाद यूरिया और जिंक। उसके कितने दिन बाद? उसके 2 दिन बाद, क्योंकि जिंक मुझे डालना था। DAP के साथ मिला के मैं जिंक डालना नहीं चाहता था, क्योंकि एक भ्रांति है या सच्चाई है वो मैं नहीं जानता, उस पर मैं रिस्क नहीं लेता। नहीं, वो सच्चाई है, मगर हम मिला के डाल देते हैं। हाँ, लेकिन जिंक सही काम नहीं करता, इसलिए मैं यूरिया और जिंक मैंने डाला, और DAP के 2 दिन बाद डाला। 2 दिन बाद। और उसके बाद फिर मैंने दूसरे अटेम्प्ट में जब यूरिया डाला, तो उसमें मैंने पोटास, सल्फर,
और एक और था कोई जाइम था शायद, वो मैंने मिला के इसके साथ डलवाया। और आज तक स्प्रे के नाम पे कोई खर्चा नहीं, पानी के नाम पे जो भी खर्चा कह लो। डीएपी और पोटास कितना डाला था एक एकड़ पे? पोटास तो वो 14% वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला लाया था, जो 25 किलो एकड़ डाला है मैंने, जो 6,650 रुपए की जो बोरी आती है वो वाला मैंने डाला। ये सभी पौधे जो हैं एक समान है, कहीं कोई अंतर नहीं है, 1% भी रोग नहीं है। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। तना छेदक की तो अब उम्र गई। हाँ नहीं, वो तो लगता रहता है, शुरू धान लगने से लेके आखिरी तक लगता रहता है तना छेदक। तो ये है भाई साहब, ये कौन सी धान है भैया? सब वही है, वही एक ही चीज है, ये पूरा खेत है वही है। नहीं एक और कोई सी किस्म? 1692 मिलेगी उस साइड भाई, तो उस तरफ वाले खेत में। 1692 के पास कैसे चल पाएंगे? अपन चल रहे हैं ना। अच्छा चल रहे हैं, चलो गाड़ी तक चल रहा है, गाड़ी जाएगी। अच्छा अच्छा, अच्छा हाँ हाँ, आप परेशान क्यों? अच्छा ये कितने दिन की है फसल, ये कौन सी थी? ये 1847। 1847 कितने दिन की है ये? ये रोपे से 105 दिन, लगाने से 85 से 90। 85 से 90 दिन की है भैया, मतलब लगाई है उस दिन से 60 दिन। बहुत सारे फायदे, इसके बहुत सारे क्या फायदे? सिर्फ मेरा एक फसल चक्र समझ के देखना, मैं तुम्हें कुछ फायदे की चीज समझाता हूँ। हाँ। मेरी फसल 2 अक्टूबर तक कट रही है। हाँ। 5 तक कटेगी। हाँ। मैं 15 अक्टूबर तक नेक्स्ट फसल लगा दूंगा, चना और गेहूं या जो भी मुझे लगाना है। लोग वही नवंबर तक जाएंगे। सही बात है, हम तो उधर नवंबर में जाएंगे आप। मेरी फसल आपसे 15 दिन पहले कट गई। हाँ। 15 से 20 दिन पहले। हाँ। अब मैं जब आप गेहूं कटाने चना कटाने के लिए तैयारी कर रहे होगे, जब मेरी खेती में बोनी हो चुकी होगी। अब अर्लियर को छोड़ दो। हाँ। मुझे प्रॉपर बिजली मिल रही है। हाँ। प्रॉपर पानी मिल रहा है। हाँ। और मैं उससे अपनी मूंग की फसल को मार्च के महीने में ही उगा लेता हूँ, 20 से 25 मार्च तक। हाँ। आप लगे रहते हो 15 अप्रैल तक, ठीक है? सही बात है। अब आप काटने के लिए आपके पास समय नहीं होता, आखिरी की 4 फली पकाने के लिए समय नहीं होता। मैं मार्च में लगा चुका हूँ, मेरी पहली फसल जो लग चुकी है वो 10-11 मार्च को लग चुकी है, 12 मार्च को लग चुकी है, 25 मार्च से 20 मार्च तक मैं कंप्लीट हो गया हूँ। मतलब मैं किसी भी हालत में मई के महीने में मूंग काटने लायक स्थिति में आ गया। सही है। आप फूल फली पे दवाई छिड़क रहे हो और आपने काट लिया, काटने के बाद में आप आनंद फानन में खेत बनाते हो। आप हम शांति से खेत बनाते हैं, समय पे रोपा डालते हैं, समय पे सारी तैयारियां कर लेते हैं जी। ये अर्लियर सिर्फ एक धान अगर आपकी 15 दिन पहले आती है तो आप साल भर सुखी हो जाते हो। दूसरी चीज, आप एक चीज और नहीं मानेंगे जिसके मैं प्रमाण दे सकता क्या? पिछली बार मैंने सिर्फ इस फसल को 10 एकड़ में लगाया था। हाँ। नाप के मोबाइल से मैंने 319 कुंटल धान बेची है, एवरेज आप लगा लेना। ये वाली? जी सर। गजब यार, मतलब एवरेज भी इसका अच्छा है, 32 का एवरेज आया। हाँ एवरेज बहुत बहुत अबे अच्छा, जो सोच नहीं सकते वो 32 का एवरेज आया, कोई नहीं मानता इस बार। जल्दी की जल्दी आ गई। वो रेट क्या मिलता है? मैंने 3140 पिछली बार खेत से गीली गीली ही ट्रक लगा के बेच दी थी, ट्रक यहीं बुला लिया था, मैं घर भी नहीं ले गया। बताओ यार, इस बार बीज दे देना यार भैया, मगर बीज दे देंगे, लेकिन आप समझो तो, एक तो समय पे पैसा। हाँ। आप 32 के एवरेज में जरा हिसाब लगा के बैठो, 3140 से 1,00,000 रुपए एकड़ की बेची। सही बात है, इस बात को समझ के देखना जरा। अरे वो समझी समझाई बात है, मगर जो बीज आपने नया ले कहाँ से आए? 200 रुपए किलो बुलाया मालिक, पिछले साल भी यही लगाया था। और जी बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये है 1692 धान, ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि ये जो इतना पट्टा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसमें क्या भाई साहब पानी नहीं हो पाया था,
तो इसमें पानी देने ही बंद कर दिया था, नहीं हो पाया था। तो इसको दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि 1692 धान में पानी नहीं देने के बाद भी कितने दिन तक लगभग पानी नहीं दिया था भैया? कम से कम एक महीना पानी नहीं हुआ। एक महीने पानी नहीं देने के बाद भी, और ये जमीन में आपको दिखा दूं, जो स्यारी जमीन है, स्यारी का मतलब आप जानते हैं ऐसी रेतीली मिट्टी है, भसुआ वाली, ऐसी रेतीली मिट्टी होने के बाद में भी धान ने एक महीने तक बगैर पानी के अपने आप को दम बना के रखा है। भाई साहब ये खेत और किसी का है और ये सोयाबीन का खेत है। फिलहाल में आज हम सोयाबीन पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए सोयाबीन क्या ज़बरदस्त लगा हुआ है। दो दाने की रुए वाली फलियां हैं इसमें। इसका नाम मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। मेरे हिसाब से NRC की कोई सी वेराइटी है ये। तो ये है भाई साहब हमारी 1692 धान और ये है 1692 के कल्ले, ठीक है। इसमें नहीं जे तो जे भी साइज है वो तो कहीं से भी दिखा लो, कहीं से कहीं तक नीचे से ऊपर तक भाई साहब एक भी पत्ता नहीं सूखा है। दाने भी हल्के हल्के से भराने लगे हैं और लगभग लगभग मान के चलो आप यहाँ देखेंगे पूरी की पूरी धान में बालियाँ एक समान आ चुकी है सारे खेतों में। भैया ये 1692 कितने दिन की है? ये करीबन 62-63 दिन की हो गई। और आप पकेगी कितने दिन में? अगले 20 दिन में कट जाएगी। मतलब वही लगाने के बाद से 85-90 दिन के बीच में सब कट जाएगी। और इसका क्या एवरेज लेता है 1692 का? 1692 का एवरेज भी 20 से कम कभी नहीं जाता। 20 से कम कभी नहीं जाता है। हाइट भी अच्छी है यार। अब मैं 6.25 फीट का हूँ यार। बता यार, मतलब 60 दिन में धान ने 60-65 दिन में बालियां निकाल दी है और सभी बालियां बहुत अच्छी है। और किसान ने कम से कम खाद यूरिया थोड़ा इसमें भी ज्यादा डाला के ट्रायल के हिसाब से? इसमें कितना डाला पर एकड़ में? डाला 1.5 बोरी एकड़ी है, लेकिन इसमें 3 डोज में डाला। 3 डोज में डाला है। और ये जो अपन यूरिया के साथ डालते हैं ना कीटनाशक जड़ के केचुओं के लिए, उस पे भरोसा नहीं करते। आपने इस फसल में कुछ नहीं डालना, सिर्फ एक चीज की बात को मुझे समझना था, थोड़ा नुकसान हो तो झेलने को मैं तैयार था। हाँ। कि इसमें ये कहा जाता है कि रोग प्रतिरोधक किस्म है। हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने रोग के प्रतिरोधक क्षमता इसमें है। तो क्या लगा आपको? अबे तक तो कछु नहीं है भैया, रोग प्रतिरोधक तो है यार, मेरा दिल खुश हो गया। मच्छर भी नहीं दिखा रहा। नहीं, सही बच्चा, सच्ची में आपने नहीं कुछ भी नहीं डाला कीटनाशक में? भैया तो उस बोल के झूठ बोल के क्या कर लूंगा मैं यार, बता यार। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसमें मतलब एक फुद्दी नहीं, मच्छर नहीं, कुछ नहीं, कीटनाशक में कुछ नहीं डाला, नीचे कुछ दिख नहीं रहा है। और अब मैं चोरी चोरी से चुपचाप भैया के इधर डब्बे भी पड़े नहीं दिख रहे। यदि डाला होता तो कहीं ना कहीं डब्बे पड़े दिख जाते हैं। की पन्नी बता दूं तो नहीं पड़ी, ये सल्फर जिंक वाली जो पन्नी है नहीं पड़ी। हाँ जी, दयाल की। तो सल्फर जिंक, चलो ठीक है, वो पड़ी है भैया की ड्रिप। इसका मतलब भैया ने क्या लगाया था भैया ड्रिप? मैं 20-25 एकड़ में सब्जी लगाता था कोरोना में, जो मैंने 30-35 लाख का घाटा खाया तो बैठ गया सब्जी लगाना बंद। अब पैसे ही नहीं है, जमीन बिकने की स्थिति आ गई। अब तुम एक चीज और देखो। हाँ। वो 1692 है या 1847 है? अच्छा, दोनों फसलें हैं। 1847 की एक बात और है, इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। 1847 ये इसकी बाल में फर्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये 10 दिन लेट लगाया रोपा है। अच्छा। हम तो शिफ्ट में रोपा डाले, बाकी यदि साथ में लगते तो साथ में आते। आज से 10 दिन बाद ये भी ऐसी हो जाएगी। मतलब 1692 इस बंड में ही रोपा डला था तो आखिरी में 1692 हमने खत्म कर दिया। ये बंड जैसे ही उखड़ा तो इसमें बचे हुए रोपे को इसी में ही लगा दिया। मतलब 1692 और 1847 एक साथ ही आती है, लेकिन 1692 से अच्छी वैरायटी है 1847। 1847 में ग्रोथ उससे कहीं ज्यादा होती है, ग्रोथ भी है, पत्तियां भी चौड़ी है और है तो वो भी अच्छी यार, दोनों ही किस्म बढ़िया है। नहीं नहीं नहीं, ये पिछली बार के अनुभव से बताऊं कि 1847 में पैदावार ज्यादा। बताओ यार,
मगर मेरे को दोनों के बीज दे देना भैया इस बार। बिल्कुल आप ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। करौंदा खाएंगे आप? करौंदा खा भी लेंगे, घर भी ले जाएंगे।